लग रही है, जिसको भी आना है फ्रेंड्स आ सकते हैं आश्रम में और परमात्मा के पाठ भी सुन सकते हैं और यहाँ प्रसाद वगैरह भी अपना सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं मालिक की दया से। भंडारा बहुत जोर से चल रहा है परमात्मा का। पहुँच गए हैं यहाँ, सारे भीड़ अब दिख रही है धीरे धीरे, सारे भगत यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। बस सीधा सीधा पिपली से सीधा सीधा ये रोड आ रहा है सीधा सामने आ गया। और आगे हम यहाँ देखो भीड़ इकट्ठा है, सारे भगत संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भगत हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, झंडा लेकर संत साहब का। और हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं आश्रम पे, अब दिखाएंगे आपको अपना यहाँ का आश्रम। भीड़ बहुत ज्यादा है, कई स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दिखा रही हूँ बाइक वाले का कैसा कर लो ना। अरे नहीं बाइक वाले का ऐसे तो तुम्हारा तुम्हारा फोटो आएगा सारे चालू कर लो तो रही। एक काम करा ना, सही बनाएगा दिखा देते मेन गेट पे, यहाँ पे यहाँ से पीछे खड़े हो गए। ये यहाँ का मेन गेट कबीर परमेश्वर निर्माण दिवस के उपलक्ष में मनाया जा रहा है। मेन गेट पे हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स, और हम जा रहे हैं धीरे धीरे अपने अंदर तक, यहाँ प्रवेश करेंगे, एंट्री कर रहे हैं अब हम अंदर। साइड वाले बोर्ड वगैरह सारा कुछ दिखाते चलो आराम से, दिखा तो रही हूँ। और यहाँ जगह जगह पे परमात्मा का फोटो भी लगा हुआ है। सन 1518 में कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने की याद में काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल का मगहर के नवाब बिजली खान पठान द्वारा निर्माण की गई पवित्र यादगार। ये पवित्र यादगार आज ही मगहर जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब जिस दिन परमात्मा प्रस्थान हुए थे यहाँ, देखो परमात्मा का जो जिस दिन परमात्मा आए थे जहाँ पे आए थे वो स्थान भी यहाँ, मंदिर भी बना हुआ अभी तक। जिस दिन परमात्मा यहाँ से गए वो यहाँ, उसी दिन का ये मनाया जा रहा है निर्माण दिवस। और फ्रेंड्स ये पैसे दे रहे हैं। और ये पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह पे, व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है यहाँ। जो भी भगत जन आ सकते हैं, जो भी ये आ सकते हैं यहाँ पे आश्रम पे, यहाँ भंडारा भी फ्री है, सारा कुछ फ्री है, कोई खर्चा नहीं है यहाँ पे, सब कुछ फ्री दिया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सारे जितने भी भगत भाई हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सब सेवा में, सब सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ एंट्री की जा रही है अंदर की तरफ से, यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है पूरा अच्छे से। यहाँ पे सारे भगत यहाँ प्रसाद लेकर बैठे हैं, जो भी भगत आत्मा जाते हैं प्रसाद ही देते हैं, और यहाँ प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भगत आत्मा का दिल से आए, यहाँ दूर दूर से आए, यहाँ प्रसाद सस्ता है जी, प्रसाद वितरण किया जा रहा है बूंदी के रूप में। ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और हम अंदर जाएंगे और अपने इधर भंडारा, जो भी भगत जन आते हैं अभी, जो भी अनुयायी आ रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के दूर दूर से, वो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं अंदर। भंडारे का भी आयोजन बहुत ढंग से है, सारे भगत सेवा में लगे हुए हैं, भंडारा करवा रहे हैं। और यहाँ परमात्मा की सारी फोटो लगी, लाइब्रेरी है ये, बहुत सारी पुस्तक है, फोटो भी है खूब अच्छी अच्छी। और यहाँ पे लेकिन ये जो फोटो मिल रही है पैसों से मिल रही है, पैसे देकर फोटो लिए जा रहे हैं यहाँ पे।
बाकी हर चीज यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे जो भी जितने भी भगतजन है यहाँ पे चाय पी रहे हैं फ्री में ले लेके, और सबके चेहरों पे काफी खुशी है, सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं, सबके चेहरों पे काफी रौनक भी है। ऐसा सुलगाया गया हुआ यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे हाथ धुलेंगे, यहाँ पे टोटी लगी हुई है और यहाँ पे हम पहले हाथ धुलेंगे, हाथ धुल के फिर अंदर से एंट्री करेंगे। यहाँ भगत भाइयों के लिए चाय का, चाय है पानी है, पानी का यहाँ पे पानी भी गरम गरम है यहाँ पे हाथ धोने के लिए, गरम गरम पानी, ताकि किसी भी किसी को भी ठंड ना लगे। और यहाँ जो भी भगत पहले से ही रह रहे हैं सबकी यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है एंट्री कर रहे हैं। देखो साबुन भी है, सब सब जगह पे साबुन भी रखा गया है, साबुन भी खुशबूदार है, महक रहा है, सब मुँह धो रहे हैं अपना अच्छे से, जो भी सेवा में लगे हैं सेवादार कोई बरस कर रहे हैं। ये हलवा प्रसाद जा रहा है परमात्मा का, यहाँ परमात्मा की बाणी चल रही है अंदर आश्रम में। कई जिलों के यहाँ यूपी के कई जिलों के लोग आए हुए हैं इस टाइम आश्रम में, अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा ही है दिख रही है। आज हम यहाँ जूते घर में, ये जूता घर आ गया, हम यहाँ अपने यहाँ जूता निकालेंगे, ये फ्रेंड्स जूता घर आ गया, यहाँ से आप अपने जूते निकाल रहे हैं। पापा कहाँ गए सुधीर? और ये हमारी फौज खड़ी है, हम यहाँ जूता निकालते हैं, अच्छा जूता निकालते हैं आप निकालो फटाक, उधर लेके चलो निकाल दो फटाफट, मम्मी मैंने ले लिया है, इसमें कर लो बंद की, इसमें बंद थी वीडियो, बताओ क्या बताया ना सकते वीडियो कौन ना है। ये परमात्मा का, ये देखो सारे प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम, देखो अच्छे से यहाँ देखो सब अपनी अपनी फोटो खींच रहे हैं, अपने अपने घर ले जाने के लिए, दिखाने के लिए अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स आप सब भी आइए, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं। सत्साई जी ठीक हो, फोटो आ रही तुम्हारी? हाँ इस बार हम फोटो बना रहे हैं वीडियो में सबके। सस्ताई गुड़िया, सस्ताई सस्ताई गुड़िया, सस्ताई नहीं बोल पाती, कोई बात नहीं, देखो बच्चा बोल नहीं पाता फिर भी आया हुआ है, चलो प्रसाद ले ले, ये पकड़ प्रसाद ले, प्रसाद ले ले, प्रसाद ले ले, प्रसाद ले लिया, आ जाओ ये रखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लो खा लो। सहसाई भाई आश्रम कहाँ से आए हो आप? दुर्ग। कहाँ से? दुर्ग जिला। दुर्ग जिला से आए हो, कहाँ पे है दुर्ग जिला? कितने दिन का है? कितने दिन का सफर है आपका? एक दिन एक रात में पहुँचे हो, कब आए आप यहाँ पे? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, अभी रुकोगे यहाँ पे? ठीक है, प्रसाद खा लिया आप? कैसा था प्रसाद? बहुत अच्छा था, सही है। देखो इतने दूर से आए हैं फ्रेंड्स, काफी परमात्मा के देखो कितने चाहने वाले हैं। सस्ताई गुड़िया, सस्ताई गुड़िया शर्मा रही है, कोई बात नहीं। और काफी दूर दूर से लोग आए हैं, दो दिन के सफर पे, तीन दिन के सफर पे, कुछ लोग कुछ भगत जन ऐसे हैं जो कटिहार जिले से भी आते हैं, वहाँ यूपी बिहार के लोग भी आते हैं और यहाँ परमात्मा के दर्शनों के लिए
जिस दिन परमात्मा आ जाएंगे जो उस दिन देखो क्या रौनक होगी, कुछ समझ में नहीं आता। सस्ते भाई सस्ते, कहाँ से आए आप? हाँ झारखंड से। झारखंड से आए हो? कितने दिन का सफर है? हाँ हम लोग तो बहुत दिन पैरों में जुटे हैं। कितने दिन से आए यहाँ पे? कल आए आप। सही, अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया है। और काफी लोग आए हैं साथ में? ये सब झारखंड से आए हैं सब, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब अपनी अपने मतलब सहयोगी के साथ साथ में आए हैं, और यहाँ झारखंड से सब साथ में ही बैठे हैं। सत्या जी खालो खालो कोई बात नहीं, और ये सब साथ में ही आए हैं फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है आप सबको? अभी रुकोगे? सत्या भाई सत्या, हमें भी बहुत खुशी हो रही, मेरा भी दिल कर रहा हम भी यहाँ दो चार दिन रुके जाए ना, यहाँ से क्या करें पर जाना पड़ेगा, और कोशिश करूंगी आज मैं रुकूंगी यहाँ पे। अब हम भंडारे की तरफ जाएंगे क्योंकि कलम भंडारा मेरा प्रसाद झूठा मगर मैं खाऊंगी, छोड़ा ना। और प्रसाद खाएंगे वहाँ आगे, माई बांट रही प्रसाद लेके खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सत साहेब, सत साहेब बुढ़िया, सत साहेब छोटे छोटे बच्चे हैं। गद्दा रजाई सारा कुछ मिल रहा है सेवा में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ठंड में। अपना हलवा वहाँ माई लेके खड़ी है वहाँ पे, चल ले ले वहाँ पे। आजा इधर से, आजा इधर से, आजा। सबको रजाई मिली हुई है यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ पे फोन चार्ज होता है, चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था है अच्छे से, जिसको भी फोन चार्ज करना है यहाँ पे फोन चार्ज कर सकते हैं। अपना निरे फोन लगी है यहाँ चार्ज पे, एक नहीं हजारों फोन चार्ज कर सकते हो एक घंटे में फटाफट। सबको रजाई मिली है, चारों तरफ से घेरा गया है टेंट को, कहीं से हवा कहीं से किसी को हवा भी ना लगे ठंड भी ना लगे। प्रसाद ये मिल रहा है यहाँ पे भी, प्रसाद मिल रहा है इधर ले ले। सत्साहेब जी प्रसाद मांग रहा है, बच्चों को प्रसाद दे दो, बहुत अच्छा लग रहा है इसे खाने में ना। दे दो प्रसाद। और बढ़िया हूँ भाई, ये प्रसाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति करो परमात्मा की। हाँ जी, जैसे जो परमात्मा की वाणी चलती है उसी से ये प्रसाद भोग लगता है। हाँ जी तो बढ़ता ही। हाँ लेना नहीं है अब हम फ्रेंड चलेंगे धीरे धीरे वहाँ आश्रम की तरफ, जहाँ पे भंडारा चल रहा है खाना खाने के लिए, जहाँ पे भंडारा चल रहा है परमात्मा का। बूंदी प्रसाद, एक तो हलवा प्रसाद दिया अभी से खाए भी नहीं है, बूंदी प्रसाद के लिए चल रहे हैं, बूंदी प्रसाद भी खाएंगे। यहाँ पानी की व्यवस्था की जा रही है, और टेंट भी अभी लग रहे हैं, और टेंट की भी व्यवस्था की जा रही है क्योंकि संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे, बढ़ती जा रही संख्या, भीड़ बढ़ने का नाम नहीं लेगी। अभी कल तक प्रोग्राम है, कल तक तो और भी भीड़ रहेगी, यहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं रहेगी। और यहाँ भी हलवा लेकर खड़ी हुई है माई, हलवा बांट रही हैं, और इधर टेंट में लोग काफ़ी भगत जन बैठी हैं, माइयाँ बैठी हुई हैं, यहाँ धूप सेक रही हैं। एक क्रेन भी खड़ा है, क्रेन खड़ा, अगर मैं कहीं गड्ढे में गिर जाऊँगी मुझे निकाल देगा ये, उठा के ऊपर कर देगा। हाँ रीतिका दीदी जा, जितना मर्जी का एक मम्मी और मेरा पूरा हाथ चमक रहा है, देसी घी, इतना देसी घी बनाए थे, पूरा देखो घी पिघल के सारा हाथों पे लगा हुआ पीछे, पूरा हाथ चमक रहा है। पोस्टर लगा हुआ है, गरम पानी है, गरम पानी का पोस्टर लगा हुआ है इधर, गरम पानी गरम चाय, इधर चाय भी है, चाय भी मिल रही गिलास यहाँ अपना। सब इतने सिलेंडर सारे इकट्ठा किए गए, सब यहाँ जो रुके हुए हैं सब अपने कपड़े धो धो के डाल रहे हैं। सत्साहेब जी
और इधर जितने भी सारे भगत हैं जमुनानगर के सारे भगत यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ बर्तन की सफाई धुलाई कर रहे हैं। बर्तन भी ना बहुत अच्छे से धुला जाता है, तीन तीन बार देख लो फ्रेंड, तीन बार माँज माँज के धुलेंगे, तीन बार साफ पानी या टंकी में धुल रहे हैं, अच्छे से धुलाई हो रही बर्तन। बर्तन भी कितने अच्छे से चमक रहे हैं यहाँ पे। और इधर फिर जो भंडारे में जो भी बर्तन खा के लोग निकाल रहे हैं, यहाँ भंडारे में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे थाली इकट्ठा करेंगे, फिर वहाँ से आती है थाली भर भर के यहाँ पे लोग सब धोते हैं बर्तन। भाई भी लगे हुए हैं क्योंकि सपोर्ट के लिए, माई इतना नहीं कर पाएंगे। यहाँ टोटी भी लगी हुई इधर सब्जियों का जगह चेंज है आज, सब्जियों की जगह भी तो चेंज है, अभी तो इकट्ठे ही सेवा शुरू हो जाएगी यहाँ पे। अब इधर हम यहाँ पहुँच गए, पहुँच कर लगा हुआ इधर परमात्मा का, हम पहुँच रहे हैं पंडाल की तरफ, पंडाल में यहाँ भंडारा चल रहा है परमात्मा का, भंडारा घर में, भंडार घर है, भंडार घर पंडाल में, हम पहुँच गए भंडार घर में फ्रेंड्स, यहाँ भंडार घर में ही है, यहाँ भंडार घर है, यहाँ देख सकते हैं सारी बना रही, हमारा भी मन कर रहा है अच्छे से बनाओ, बेल खेल के कहते हैं सेवा। बर्तन धुल के अच्छे से रख दिए गए, वहाँ पानी रखना होगा। भंडारा कर रहे हैं पूरी जगह यहाँ पे, सस्ता ही नहीं सस्ता ही। आजा इस लाइन में चल, चल आगे आगे चल इस लाइन में, आजा इस लाइन में चल, आगे देखते हैं जगह होगी यहाँ पे, चलो ना। राम दाल राम सब्जी राम सारा परोसा जा रहा है मालिक की दया से, जो भी भंडारे में दिया जाएगा राम बोला जाएगा, चावल राम दाल राम, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का ही है। यहाँ पे बूंदी राम दिया जा रहा है, परमात्मा का सब कुछ है, यहाँ कुछ अपना नहीं है, सब परमात्मा के नाम पे ही परोसा जा रहा है। ये जगह खाली है, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे चला जाओ, यहाँ पे सारे आ जाएंगे। हम भी बैठ गए हैं, आएंगे भंडारा करेंगे, चावल आ गया इधर, चावल भर गया भंडारा, मिल गया सबको, अभी और भी मिल रहा है। माया बेचारी भंडारा परोस रही है, हम बैठे यहाँ घूसने बैठे हैं कि कोई सेवा भी नहीं कर रहे हैं, बस लोग फोन ही चला रहे हैं, हम थोड़ी देर सेवा करेंगे क्योंकि सेवा में बहुत अच्छा लगता है। हाँ देना सब्जी राम, सब्जी राम देना, सब्जी देखो मिल गई है, हिल ना रही सब्जी, ये जगह में पड़ गई है। ये बूंदी मिल गई है मुझे, बूंदी कर रहे हैं भंडार घर में, ब्लॉगिंग हो रही, वीडियो बना रहे हैं इधर, बहुत तेज है सारे बताओ कितने उत्साह से यहाँ वीडियो बना, मतलब सब यहाँ भंडारा परोस रहे हैं, एक एक लाइन में पांच पांच छह छह माइयाँ हैं,
दाल राम, चावल राम, सब्जी राम, अचार राम, प्याज राम, सलाद राम, सारा कुछ दे रही हैं, जल राम। एक मिनट भी नहीं टिक रही हैं। अपने घर में चाहे थोड़ा आदमी आलस कर जाए, पर यहाँ पूरी जोश जुनून के साथ सेवा में लगे हुई हैं, उसे भंडारा कर रहे हैं, भंडारा कर करके अपने घर जा रहे हैं। ये देखो भाई लोग बैठ रहे हैं लक्कड़ पे, एक गड्डी भर के लक्कड़ आई हुई है, अभी लकड़ी उतारी जाएगी, जलाते भी हैं लकड़ियाँ सेकने के लिए, ठंड लगेगी तो। और इधर जो विकलांग लोग हैं इनके लिए साइकिल भी यहाँ पे उपलब्ध है, मालिक की दया से अपना साइकिल पे बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ भी साइकिल खड़ी है। पूड़ी राम, रोटी राम, रोटी में देसी घी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हमने हलवा प्रसाद खाया था और भंडारा भी कर लिया, हाथ भी धो लिए, अपने मुंह में भी पोंछ लिए, पर ये भंडारे का जो मतलब जो हलवा प्रसाद का जो देसी घी है, देखो हाथ चमक रहा है, इसका असर अभी तक नहीं गया है। वहाँ से भंडारा लेकर आ रहे हैं सारे भगत जी, वहाँ से भंडारा बाल्टी में दिया जा रहा है, सब्जी दाल चावल रोटी अलग अलग बाल्टियों में वहाँ से ला ला के सब यहाँ भंडारा परोस रहे हैं। अमीर गरीब सब एक समान, सबको भंडारा एक जैसे कराया जा रहा है यहाँ पे। सत्संग जी, कहाँ से आए हो आप? झारखंड से आए, सेवा में लगे हो? अच्छा अच्छा, आप मतलब उनका ही वेट कर रहे हैं आप? ठीक है, देखो झारखंड से आए हैं, उनका वेट कर रही हैं। इधर भंडारा बन रहा है, इधर ऐसे रोटी लेके जा रहे हैं, मशीन भी बन रही है, रोटी मशीन की तरफ रोटी धीरे धीरे बढ़ रही है। कहाँ पे पड़ता है? गुला चिका हरियाणा में पड़े जी। कितने दिन से आए हो आप यहाँ पे? 11 दिन हो गए जी। 11 दिन हो गए? आने पर आएंगे 2 तारीख। परमात्मा की कितनी मेहर है, 11 दिन से यहाँ सारे भगत लोग सेवा पे कर रहे हैं, डट के सेवा कर रहे हैं, चेहरे पे सबकी कितना खुशी है, रौनक जमाई हुई है, और भंडारा खूब जोरों से चल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मालिक की दया से यहाँ सारा वहाँ तक प्रोग्राम सारे भगत लगे हुए हैं, वहाँ भगत डग में हिला रहे, पूरा बना रहे हैं कोई आज आ जाए चलते आ जाए। सारे भगत पूरा खुशी से सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ पे सबके चेहरे पे रौनक है, कितना अच्छा लग रहा है पूरा। यहाँ ऊपर पंखे का भी आयोजन किया गया है, गर्मियों में यहाँ पंखा इतना तेज चलता है गर्मी महसूस नहीं होती है। सारे भगत यहाँ भंडारा लेके जा रहे हैं, आप सब देख के समझ गए होंगे भगत, यहाँ कोई अगर नेता भी हो ना, इतना बड़ा भंडारा नहीं करवा सकता जितना संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आओ बच्चों भंडारा करो कुरुक्षेत्र आश्रम में। हम इस समय हम आपको कुरुक्षेत्र आश्रम की वीडियो दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। किसी के चेहरे पे वो नहीं है कि थोड़ा सा झुर्रियाँ भी पड़ी हों, सारे खुश हैं। जो बुजुर्ग हैं, माइया हैं, जो बैठ नहीं सकती हैं, उनके लिए यहाँ टेबल का भी टेबल की भी व्यवस्था की गई है। टेबल
आप यहाँ सेवा में लगे कितने दिन से? हैं जी 3 दिन से जी। कहाँ से आए हो आप? हैं जी मुस्तफाबाद ब्लॉक से। मुस्तफाबाद से आए? हाँ जी यमुनानगर जिला। जो आप यहाँ सेवा करते हैं उसका चार्ज मिलता है आपको? हैं जी चार्ज भी मिलता है आपको यहाँ से? ना हम फ्री सेवा करते हैं अपने गुरु जी के, हमको पुण्य मिलते हैं। अच्छा कोई पैसा नहीं मिलता? कोई पैसा नहीं। फायदा क्या आपको? हैं हमें शारीरिक लाभ मिलते हैं सेवा करने से। हमने मोक्ष दिया जी, मोक्ष मोक्ष के लिए हम ये कर रहे थे। पैसा नहीं चाहिए? नहीं पैसा नहीं चाहिए। देख लो फ्रेंड सारे फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसा नहीं चाहिए किसी को। इतना उत्साह सबके चेहरे पर, सेवा में लगे हुए हैं सारे भगत। पैसे की भूख नहीं है परमात्मा की, भूख है परमात्मा के लिए सब सेवा में लगे हुए। सत्ता जी बच्चे भी फ्री में सेवा कर रहे हैं, दूध भी फ्री में आ रहा है यहाँ पे देख लो। गड्डी लगी हुई है दूध की, हरियाणा में दूधों का भंडार है, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा पूरे जुनूनों से चल रहा है। यहाँ मैया क्या कर रही है? आप सब्जियाँ काट रही है यहाँ पे शायद ना सब्जी, हाँ सब्जी काट रही है यहाँ पे सब सब्जियाँ काट रही है सारी मैया। माई कहाँ कर रही हूँ? माई लेसन छिल रहे हैं। सेवा में लगे आप सब? कहाँ से आई हो आप? करौड़ी से। करौड़ी से आई हो? कहाँ पे पड़ता है? यही करनाल। अच्छा करनाल से आए हो आप, सही है। कितने दिन से आप माई आई हो यहाँ पे? चार दिन हो गए। चार दिन हो गए आपके, घर नहीं जाना आपको? घर 2 तारीख में जाएंगे। 2 तारीख को जाओगे? अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। अच्छा सेवा फ्री चल रही है, इसका कोई चार्ज तो नहीं मिलता आपको? बढ़िया है। फिर देखो संत रामपाल जी महाराज जितने भी चेले हैं इनको कोई चार्ज नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा का प्यार चाहिए और सतलोक जाना चाहते हैं, पैसे की भूख नहीं इन्हें। सेवा फ्री कर रहे हैं सब यहाँ पे लगे हुए हैं तन मन से। देखो माया है, देखो माया भी बेचारी कितने कितने दिन से आई हुई हैं सेवा में, लगी हुई हैं सेवा कर रही हैं। घर की भी याद नहीं है कि हमें घर भी जाना है। सेवा बढ़ा दी गई है परमात्मा की दया से, यहाँ तक सेवा बढ़ चुकी है। यहाँ देखो बर्तनों का ढेर लगा के खड़े हैं। सस्ते जी पूछते यहाँ से क्या है। सस्ते भगत जी कितने दिन से आप आए हो यहाँ पे? हाँ जी आप यहाँ कितने दिन से आए हो? 4 दिन। 4 दिन हो गए। कहाँ से आए हो? छोटी से जी, छोटी से। कहाँ पड़ता है? यो जमुनानगर जिले में पड़ता। अच्छा जमुनानगर में ही है। और ये जो सारे बर्तन रखे गए किस लिए है? मंच के वहाँ से निहाते हैं। अच्छा मंच के निहाते फिर अंदर भंडारे में। सारी सेवा फ्री है? हाँ जी फ्री सेवा, कोई चार्ज? परमात्मा के देखो कितने भी भगत जन है ना। सस्ते जी क्या कर रहे हो? ब्लॉगिंग बना रही हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? ब्लॉग बन रहा है और यहाँ सारे फ्री में सेवा में लगे हुए हैं और हम क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, ठूस लिए ठूस घूम रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में भी लाइव भी दिखाएंगे, यहाँ परमात्मा का जो भी वचन चल रहा है सस्ते हम आपको लाइव दिखाएंगे थोड़ी देर में। हम आश्रम की तरफ बढ़ गए हैं, पंडाल में परमात्मा का जो भी पाठ चल रहा है, आश्रम अंदर चल रहा है। और देखिए इनकी भी दशा देखो है, और आए हैं यहाँ पे सस्ते में, कई साल में आए, कैसे है कहाँ से आए देखते हैं। हाँ जी सस्ते मई जी कहाँ से आए आप? तरावड़ी से। तराउड़ से कहाँ पे पड़ता है? ये करनाल जिले में पड़ता है। करनाल जिले में नाम लिए हो आप? हाँ। फिर ये चोट कैसे लगी आपको? कितने दिन से आए आप यहाँ पे? यहाँ पे हम यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते हो? हाँ, सेवा में रहते हैं। सेवा आप सेवा कैसे कर रहे हैं आप? ये तो बस ये सेवा परमात्मा का तो सुनो मैं बताइए सेवा मेरी। अच्छा अभी आप यहीं पे पर्सनल रह रहे हो? हाँ। कोई चार्ज मिलता है आपको? पैसे मिलते हैं आपको सेवा के लिए? नहीं। जैसे आप यहाँ रुके हो सेवा करते हो लगातार, यहाँ पे घर छोड़ के बैठे हो यहाँ पे, आपको कोई चार्ज नहीं मिलता कोई खर्चे खुर्चे के लिए? नहीं मैम, फ्री सेवा परमात्मा की तरफ से। फ्री सेवा करते हो? फिर आपको कहाँ गए थे जो आपको ये चोट लग गई? ये मैं घर पे गई थी, चोट लगी घर पे गए थे। हाँ, मोटरसाइकिल वाला मार गया। अच्छा कोई मतलब ज्यादा फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? हाँ ये गुंडे फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ नीचे फ्रैक्चर है, ये जोड़ बोल रहे थोड़ा जोड़ खुला है, परमात्मा दया करे परमात्मा राहत है। जो भी है परमात्मा की दया से, जो भी कोई मतलब मर्यादा में कोई दिक्कत आई हो कि मर्यादा अगर
परमात्मा कहते हैं संतराम पास जी मर मर्यादा में रहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो थोड़ा बहुत परमात्मा की जीव आत्मा ही है, जीव आत्मा की औकात ही क्या है, मिस्टेक हो गया होगा कहीं, बाकी हम आपको इधर लाइव दिखाएंगे। और ऐसे चोट तो नहीं आती, हम भी लोग आते जाते रहते हैं, अगर हम नियम में रहेंगे, अगर सारे नियम को फॉलो करेंगे तो हमें तो एक आँच भी नहीं आ सकती मालिक की दया से। बाकी बहन है, थोड़ा सा गलती हुई होगी कहीं से और वो भी जाती है, अब फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, और बताना कि कैसा हमारा आज का ये ब्लॉग। ये लंबी लाइन किसने लगी है बता सकते हैं? बहुत लंबी लाइन लगी है भक्तों की, किसने लगी है बता सकते हैं? चमन सेवा की लगी है, परमात्मा की चमन सेवा करेंगे आप? कहाँ से आए हो? यमुनानगर से आई हूँ। कितने दिन से आई हो आप? बहुत खुशी है चेहरे पे, परमात्मा के सब चवर सेवा में लगे हुए हैं, परमात्मा के वहाँ पे सेवा में जाएंगे और वहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे परमात्मा का, कितनी खुशी है सबको चेहरे पे। बहुत लंबी लाइन लगी है यही सबकी, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ये हलवा प्रसाद यहाँ वितरित होता है, यहाँ पे जो परमात्मा की जो वाणी चलती है वहाँ पे हलवा प्रसाद चलता है यहाँ पे, और ये पाठ चल रहा है, भगवती पाठ पढ़ रहे हैं और ये सेवा में लगी हुई है माइयाँ, जिसको भी प्यास लगे पानी दिया जाता है यहाँ से, वहाँ से लाइन लगी हुई है, फिर नंबर वाइज है, फिर यहाँ लाइन लग रही है लंबी लंबी, और यही है चंवर सेवा, इसी चंवर सेवा के लिए इतनी लंबी लाइन लगा रखे हैं सारी बहनें, और भाइयों की तरफ भी अलग से लगी हुई है लंबी लाइन। बैठे हो सब तो वैसे घूम रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, आप कुर्सी पे बैठे हो, परमात्मा की सेवा लगी है, अच्छी बात है। कितने दिन से आप आए हो? यहीं पे पास के ही। कहाँ से आए हो? पास में ही है। पास में ही हो, बढ़िया है, रोज आते जाते हो? भंडारा कर लिए हो? भंडारा कर लो, बहुत स्वादिष्ट भंडारा है, हम तो करके आए, इतना टेस्टी भंडारा है, घी हलवा प्रसाद का ही, अभी हाथ का घी नहीं सूखा हुआ। संतराम पास जी महाराज के आश्रम में राजस्थान की भगतनी फिर से मिल गई है, हम ही तो फिर से मुलाकात करेंगे।
देखो मेरा नन्ना सा लड़का इनकी गोद में झट से बैठ गया, नानी के पास गया, नानी अम्मा के पास गया। और ये भी राजस्थान से आई, इनकी बहू है। आप राजस्थान से आए हो, नाम लिख लिए बोलो गुरुदेव जी की जय। सभी भक्तात्माएं कृपया ध्यान से सुने, आश्रम की गाड़ी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जा रही है। यहाँ आश्रम में एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन से वीडियो बनाई जा रही है। एरोप्लेन थोड़ा ही है वो, दिख नहीं रहा वीडियो बन रही है आश्रम में। फ्रेंड्स, हम सब वीडियो में आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कि कैसा है हमारा ये आश्रम। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।